आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही छोटी सी बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान सी रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं आलू पालक का बहुत ही लाजवाब पराठा इसकी फिलिंग देखकर ही आपको लग रहा होगा कि पराठा कितना टेस्टी बना होगा आप इसे बच्चों के टिफिन में दे सकते हो लंच बॉक्स में ले जा सकते हो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर कर देखिए मैं वर्षा भाव साहे रसोई घर में आप सभी का स्वागत है तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए बनाते हैं आलू पालक का पराठा तो चलिए सबसे पहले इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल ले, ले लेते हैं और इसके अंदर डालेंगे दो कप गेहूं का आटा और अब हम यहाँ पर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक और इसी के साथ दो छोटी चम्मच मैं यहाँ पर तेल का यूज़ कर रही हूँ मोइन के लिए तेल की जगह आप यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हो और अगर तेल या घी कुछ नहीं डालना चाहें तो इसकी भी कर सकते हो अब इन सभी चीज़ों को क्रम्बल करते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ना तो जो पराठे हैं बाहर से एकदम खस्ता बनते हैं और अगर आपके पास गूंथा हुआ आटा हो तो उसका भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें पानी डालकर इसका डो लगा लेते हैं तो इसमें जो पानी है बिल्कुल आवश्यकता अनुसार लगेगा और जिस तरह से हम चपाती के लिए डो लगाते हैं ना बस उसी तरह से हमें यहाँ पर डो लगा के तैयार करना है यानी थोड़ा सा हमें यहाँ पर नरम डो की ही ज़रूरत होगी तो फ्रेंड्स इन पराठों को आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फटाफट से पराठे बन जाते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पानी में और डाल देती हूँ और इसे मसलते हुए बढ़िया से हम चिकना कर लेंगे तो कुछ देर आप इस तरह से पंच देते हुए मसलिए ताकि जो डो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो ये देखिए यहाँ पर डो लगा के मैंने तैयार कर लिया है तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं और कवर कर कर साइड में रख देंगे ताकि बढ़िया से सेट हो जाए जब तक हम यहाँ पर इसकी फिलिंग बना लेते हैं तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पालक लिया है जिसे अच्छे से साफ़ कर कर साफ पानी से धोकर और बिल्कुल बारीक बारीक कट कर, कर लिया है पर इस बात का ध्यान रखें कि पालक में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए और अब मैंने यहाँ पर चार उबले हुए आलू लिए हैं तो आलू को मैं यहाँ पर कद्दूकस कर, कर यूज़ करूँगी ताकि आलू में कोई भी बड़े पीस नहीं रहे और अगर आप चाहो तो इसे मेशर से भी मैश कर सकते हो लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी इसमें मोटे पीस नहीं आना चाहिए तो यहाँ पर देखिए आलू भी मैंने इस पालक में डाल दिया है अब हम यहाँ पर डाल देते हैं बहुत थोड़े से मसाले जैसे एक चम्मच में नमक डाल रही हूँ एक चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच में डाल देती हूँ धनिया पाउडर मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ इसी के साथ दो से तीन हरी मिर्च ली है बिल्कुल बारीक काट ली है ये भी इसके अंदर डाल देते हैं और आधा इंच के लगभग अदरक का टुकड़ा है जिसे कद्दूकस कर इसमें डालेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च की मात्रा कम कर दीजिए या फिर हरी मिर्च को भी आप स्किप कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए अदरक हमने डाल दिया है और अब हम डाल देते हैं एक छोटी चम्मच चाट मसाला तो फ्रेंड्स जो भी मसाले हैं आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर मैनेज कर सकते हो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर कच्चे पालक का यूज़ कर रहे हैं तो ये पराठा टेस्टी के साथ हेल्थी भी होने वाला है तो चलिए चम्मच को हटा देते हैं और हाथों से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो आलू है पालक में बढ़िया से लग जाए तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर बारीक कट की हुई प्याज भी डाल सकते हो लेकिन प्याज को आप यहाँ पर बिल्कुल बारीक काट कर ही यूज़ कीजिए तो यहाँ पर देखिए फिलिंग बनकर हमारी तैयार हो चुकी है बहुत ही कम मसालों के साथ हमने इसे बनाया है तो चलिए अब जो ये डो है इसे भी रखे हुए पाँच से सात मिनट का समय हो चुका है तो एक बार इसे फिर से थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि ये बिल्कुल चिकना सा हो जाए तो कोई सा भी आप भरमा पराठा बनाएं इसके लिए डो आप बिल्कुल चिकना लीजिए इससे जो पराठे हैं बिल्कुल भी नहीं फटते हैं तो यहाँ पर देखिए डो तो हमारा बढ़िया से सेट हो चुका है बहुत ही चिकना सा मैंने इसे कर लिया है तो चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पर पेड़ा बना के तैयार कर लेते हैं तो बस जिस तरह से नॉर्मल पराठे बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं ना बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसे बनाना है अब मैंने इसे थोड़ा सा सूखे आटे में डिप कर लिया है और अब हम इसे बेल लेते हैं तो जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना उसी तरह से हमें यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करना है तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखी है मैंने इसे थोड़ा सा मीडियम साइज से रखेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये फिलिंग जो हमने बना के रखी हुई थी तो फ्रेंड्स इस फिलिंग को आप पहले से बनाकर नहीं रखें जब भी आपको पराठे बनाना हो तब भी आप इसे बनाएं क्योंकि हमने इसमें कच्चे पालक का यूज़ किया है और पालक में जब मसाले डालते हैं ना तो पालक पानी छोड़ने लगता है तो ये फिलिंग थोड़ी गीली भी हो सकती है तो इस बात का ध्यान रखें अब हम यहाँ पर पराठे को शेप दे देते हैं तो यहाँ पर देखिए इसे मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से रखना चाहते हो तो अगर आप गोल बनाना चाहते हो तो इसे गोल बना लीजिए तो यहाँ पर देखिए अब हम इसे सूखे आटे में फिर से डिप कर लेंगे और इसे बेलेंगे लेकिन इस समय हम बिल्कुल हल्के हाथों का यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा पराठा है ये फटे नहीं तो बस हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा दूसरी तरफ से हम इसे बेल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पराठा बनकर तैयार हो चुका है तो अब बारी है इसे सेकने की तो गैस चालू कर कर गैस पर मैंने पहले से ही तवे को गर्म कर लिया है तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं और हम इसे एक तरफ से बढ़िया से सेकने देते हैं जब तक हम यहाँ पर दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक तरफ से सीख चुका है तो अब मैं यहाँ पर इसके साइड चेंज कर देती हूँ और दूसरी तरफ से भी हम यहाँ पर बढ़िया से सीखने देंगे इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देते हैं तेल आप चाहे तो घी लगा लीजिए या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन नमकीन जो पराठा होता है ना मुझे तेल से ही पसंद आता है इसलिए मैं यहाँ पर तेल का ही यूज़ कर रही हूँ तो बस दोनों तरफ से हमें पराठे को इसी तरह से सेकना है फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी ये पराठा बन जाता है और बच्चों को भी पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही कम मसाले हमने यहाँ पर डाले हैं तो इन पराठों को आप सुबह के नाश्ते में या फिर टिफ़िन में ले जाइए तो इसके पहले भी मैंने आपके साथ कई तरह के पराठे की रेसिपी शेयर की है अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उन्हें भी देखिए वो भी पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ से भी बढ़िया से सीख चुका है तो इसकी साइड चेंज कर देते हैं ये देखिए बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और बाहर से थोड़ा क्रिस्पी सा हो चुका है तो चलिए फ्रेंड्स इसे बाहर निकाल लेते हैं तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप मेरी रेसिपी कंटिन्यू देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ